हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फैक्ट्री हाफ ईयरली रिटर्न कैसे ऑनलाइन फाइल किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सर्विसेज मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिस्टिंग डिपार्टमेंट में फैक्ट्री एंड बॉयलर्स को सिलेक्ट करना है। फैक्ट्री एंड बॉयलर्स को सिलेक्ट करने के बाद इंटीग्रेटेड रिटर्न्स में जाना है। उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई, उसको क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपको डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ रिटर्न्स फाइल उसको चूज करना है, लेबर रिटर्न या फैक्ट्री रिटर्न। तो फैक्ट्री रिटर्न हम करने वाले हैं तो फैक्ट्री रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर चूज कंपनी वाले ऑप्शन में जाकर अपनी कंपनी का नाम चूज कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट कैलेंडर ईयर, आप किस ईयर के लिए रिटर्न भरना चाहते हैं वो ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिट या ब्रांच या फैक्ट्री उसको चूज कर लेना है। उसके बाद फाइल न्यू रिटर्न्स में क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करते ही ये नया पेज डिस्प्ले होगा। ये पार्ट वन प्रिपेयर एंड सबमिट रिटर्न्स, ये पेज ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको फैक्ट्री आइडेंटिफिकेशन नंबर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, इसको टिक मार्क करना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज रखने का है तो नीचे सेलेक्ट कर देना है, नहीं तो एडिट भी किया जा सकता है। नीचे यहाँ पे चेक इन करना होगा, सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैनेजर, यहाँ पे एज इट इज रखने का है तो नीचे सेलेक्ट कर देना है। नीचे यहाँ पे चेक इन करना होगा, फाइल रिटर्न्स अगेंस्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और बोथ। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो बोथ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे टाइप ऑफ रिटर्न्स आपको चूज करना है, हाफ ईयरली है और एनुअल है। यहाँ पे टाइप ऑफ रिटर्न हाफ ईयरली रिटर्न सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आपको फैक्ट्री के डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फैक्ट्री, लाइसेंस नंबर ऑफ द फैक्ट्री, नेम ऑफ द फैक्ट्री। उसके बाद नीचे सेक्शन ऑफ द एक्ट अंडर विच द फैक्ट्री इज कवर्ड, जिस सेक्शन के अंदर आपकी फैक्ट्री कवर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है सिलेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर यहाँ पे कोई चेंजेस है तो आपको चेंज कर लेना है, नहीं तो एज इट इज छोड़ देना है। नीचे सिलेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैनेजर, अगर एज इट इज है तो इसको छोड़ देना है, नहीं तो एडिट कर लेना है। फैक्ट्री एड्रेस फुलफिल करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद NIC नंबर सेलेक्ट कर लेना है, फिर सेव कर देना है। हजार्डियस इंफॉर्मेशन फुलफिल करने के बाद अब इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करते ही कंफर्मेशन वाला पॉपअप डिस्प्ले होगा, इसे येस कर देना है। इसको येस करते ही अगला पेज डिस्प्ले होगा, सर्टिफिकेट। अब इस फाइल को ई साइन करना होगा, तो ई साइन करने के लिए ई साइन पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही ये अगला पेज डिस्प्ले होगा, आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे कंसर्न पर्सन का आधार और उनके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर यहाँ पे चेक इन करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। अब आप रिटर्न अंडर प्रोसेस है, थोड़े ही सेकेंड के बाद ई साइन कम्प्लीट हो जाएगा और नीचे यहाँ पर ई साइन का राइट टिक दिखाई देगा। थैंक यू सो मच।